हाय गाइस दिस इज शान विकाय होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू माई चैनल ग्लैमरस ठिकाना सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वीको की न्यूली लॉन्च क्रीम का रिव्यू जो कि बनाई गई है एलोवेरा जेल से तो देखते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे ऐसे इसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट किया गया है पुरानी वाली वीको टर्मरिक क्रीम तो हम काफ़ी लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं तो देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या इंप्रूवमेंट किया गया है और ये जो न्यूली लॉन्च एलोवेरा की जो स्किन क्रीम है जिसे हम डेली में यूज़ कर सकते हैं क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी क्या ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी सो गाइज इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए सो विदाउट एनी फर्दर डू लेस गेस्ट सो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में हमें मिल जाती है मैंने इसको ऑनलाइन परचेज किया था और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ था आप वहां से भी इसको परचेज कर सकते हैं so यहां पर हमें इतनी ट्यूब मिल जाती है जिसके अंदर हमें फिफ्टीन ग्राम की क्वांटिटी मिल जाती है और अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं फिफ्टी तो फाइव रुपीज में हमें फिफ्टीन ग्राम की क्वांटिटी मिल जाती है और जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो है थ्री ईयर्स यानी कि तीन साल तक हम इसको यूज कर सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो प्रोडक्ट है ये क्या क्लेम करता है गाइज ये जो एलोवेरा से बनाई गई क्रीम है ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखेगी हाइड्रेट करके रखेगी और हमारी स्किन को सूद करेगी तो यहाँ पर मैं इस क्रीम को एक हफ्ते तक कंटिन्यूअसली यूज करती आ रही हूँ और यहाँ पर जो मुझे इसके अंदर थोड़े बहुत डिफरेंसेस महसूस हुए हैं पुरानी वाली वीको से वो मैं आपके साथ इस वीडियो में आगे शेयर करूंगी हम देख लेते हैं कि इस वीको टर्मरिक क्रीम को हमें कैसे अप्लाई करना है और क्या कुछ डिफरेंस हमारे फेस पर दिखता है जब हम इस क्रीम को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एज यूजल जितना भी अमाउंट हम अपनी पहले वाली वीको टर्मरिक क्रीम का लेते थे एग्जैक्ट उतना ही आपको लेना है सो so, यहाँ पर अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ ना गई तो ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही रनी है एलोवेरा होने की वजह से यहाँ पर जो मुझे महसूस हो रहा है ये थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट इसके अंदर ज़्यादा आ गया है लाइक पहले वाली जो वीको टर्मरिक क्रीम थी उसको लगाने के बाद जो हमारी स्किन रहती थी ना वो थोड़ी देर के लिए ड्राई ड्राई सी हो जाती थी अगर आप बहुत ही लंबे टाइम से वीको की क्रीम अप्लाई करते आ रहे हैं ना तो आपको ये बात पता होगी कि जब हम वीको टर्मरिक क्रीम को अप्लाई करते थे तो उसको लगाने के बाद जो हमारी स्किन थी ना वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती थी तो यहाँ पर इसको लगाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा जो इफेक्ट है है ना वो ऐड किया गया एलोवेरा की वजह से आपकी स्किन पर ये ड्राई नहीं होगी तो ये मुझे इसके अंदर प्लस पॉइंट लगा क्रीम के अंदर सो so लगाने के बाद जो इसमें मुझे महसूस हो रहा है इसने स्किन को काफी ज्यादा सॉफ्ट बना दिया लाइक जो पहले वाली वीको टर्मरिक क्रीम थी ना वो भी एग्जैक्ट ये ही वर्क करती थी बट यहां पर जो मुझे थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर महसूस हुआ है इसने स्किन को उससे थोड़ा ज्यादा बेटर स्मूथ बना दिया है सो so यहां पर मेन डिफरेंस मुझे ये महसूस हुआ कि इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट थोड़ा ज्यादा है पुराने वाली वीको टर्मरिक क्रीम से और अगर फ्रेगरेंस की बात करते हैं गाइस तो फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस इसमें से आ रही है आयुर्वेदिक मेडिसिन वाली जो पुरानी वीको टर्मरिक क्रीम में से आती थी ना वैसी ही इसमें से आ रही है थोड़ा सा टिंट मुझे इसके अंदर परफ्यूम का तो बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस यहाँ से आ रही है और नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात करू ना अपनी स्किन की तो बहुत ज्यादा स्मूथ मुझे लग रही है इसको लगाने के बाद स्किन एकदम स्मूथ एंड सॉफ्ट लग रही है बात कर लेते हैं इसके अदर बेनिफिट्स की सो so गाइज ये आपकी ड्राई स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है और साथ में ही अगर आपकी स्किन पर रैशेज हो रहे हैं ना तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एक और पिम्पल्स के लिए तो वी को एकदम बेस्ट है वो डिपेंड करता है स्किन टू तो स्किन किसी किसी की स्किन पर ये सूट नहीं करती क्योंकि इसके अंदर हल्दी ऐड की जाती है तो यहां पर थोड़ा कभी कभी ये हो जाता है कि आपकी स्किन पर ये सूट ना करे बट एक्ने और पिंपल्स अगर आपकी स्किन पर हैं तो थोड़ा सा अमाउंट अगर आप इसका अप्लाई कर लेते हैं तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुलफुल रहेगी आपकी इन स्किन प्रॉब्लम को दूर करने में और साथ में ही गाइज यहां पर जो ये न्यूली लॉन्च एलोवेरा की जो वीको टर्मरिक क्रीम है ना ये आपके स्किन इन्फेक्शन को भी क्योर करेगी प्रिवेंट करके रखेगी साथ में ही आपके जो स्किन पर ब्लैमिश है वॉर्म है उनको भी क्योर करेगी साथ में ही जो स्किन के छोटे मोटे डिसऑर्डर होते हैं उनको भी दूर करेगी साथ में आपके पिंपल्स और एक्ने और जो कहीं पर भी आपको छोटा मोटा अगर जल जाता है तो ये उससे भी आपकी स्किन को करेगी और साथ में ही आपकी स्किन को तो करेगी और आपकी जो स्किन की टोनल वैल्यू है उसको करके रखेगी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं और लोगों के मन में भी ये डाउट होता है कि क्या वीगो टर्मरिक क्रीम गोरा करती है सो गाइज गोरा का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन को एकदम व्हाइट बना देगी आपकी स्किन का इवन होना बहुत ज्यादा जरूरी है

और हाइड्रेट करती है तीनों ही चीज एक साथ हमारी स्किन को करती है और ये जो क्लेम करती है क्रीम ये डेफिनेटली वर्क करता है हमारी स्किन पर मॉइस्चराइज करके रखती है क्योंकि एलोवेरा होने की वजह से हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती अगेन एग्ने और पिम्पल्स के लिए मैंने पुरानी वीडियोज बनाई हुई हैं आप वीको की प्ले में जाकर उनको चेक कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए तो so, आज की इस वीडियो में इतना ही होपफुल वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर टिल देन बाय बाय जय हिंद जय भारत